चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। यू तो आसिम और हिमांशी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आसिम और हिमांशी की जोड़ी को मानो देश की जनता से काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा है। दोनों की जोड़ी बनी बिग बॉस के घर में और ये जोड़ी अब प्यार में बदल चुकी है और ये रिश्ता बहुत ही जल्द प्यार से शादी में भी बदल जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में हिचकिचाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना को प्रपोज कर दिया और हिमांशी खुराना ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर दिया। हिमांशी खुराना ने अपने 10 साल के प्यार को छोड़ दिया आसिम रियाज के लिए। कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में कुछ कमियां जरूर रही होंगी जो उन्हें अपने प्यार की दूसरी तलाश हुई। हालांकि ये पुरानी बातें हैं, इन पर ध्यान देने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जरूरी अब ये है कि ये जो रिश्ता आशिमांशी का आगे बढ़ रहा है वो इसी तरह से बढ़ता रहे। चलिए फिर आपको वो दिखाते हैं जहां पर आसिम और हिमांशी की शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है। चलिए नजर डालते हैं अपने इस खास रिपोर्ट पर। बिग बॉस के घर से आसिम रियाज को दो सबसे बड़ी चीज मिली है, एक है जनता का प्यार और दूसरा है हिमांशी खुराना का प्यार। जी हाँ, भले ही आसिम रियाज के हाथ ट्रॉफी ना लगी हो, भले ही सीजन 13 के वो विनर ना कहलाए हो, लेकिन जनता के बीच उन्होंने जगह बना ली है। जिस आसिम रियाज को आज से ठीक 5 महीने पहले एक इंसान नहीं जानता था, उस आसिम रियाज को आज भारत वर्ष में बहुत ज्यादा जाना जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बिग बॉस के घर में ही आसिम रियाज का एक रिश्ता शुरू हुआ हिमांशी खुराना के साथ और वो रिश्ता देखते ही देखते प्यार में बदल गया। जिस तरह से आसिम रियाज ने नेशनल टेलीविजन पे हिमांशी खुराना को प्रपोज किया, उनका ये अंदाज हर किसी को भाया। और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। जी हाँ, अब हम सभी ने देखा कि आसिम रियाज हिमांशी को लेकर कितना ज्यादा केयरिंग रहते हैं, हिमांशी से वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं, ये तो शायद किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, अब आपको ये बता दें कि इन दोनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दरअसल अब इन दोनों की शादी की खबरें जब सामने आ रही हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके हैं और आसिम रियाज ने तो खुलकर ये बात है सामने रख दी है कि अगर उनकी शादी हुई तो वो हिमांशी खुराना से ही होगी और वो उनके साथ जीवन भर रहना चाहते हैं। आप इस समय हमारे इस रिपोर्ट में कई कमेंट्स देख पा रहे होंगे। अगर आप इन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए कैसे आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का क्रेज सोशल मीडिया पर चढ़ा हुआ है और लोग जो हैं वो इनके शादी की प्रिडिक्शन खुद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शादी को लेकर लोगों ने कई बड़े बड़े फैसले भी अपने सुना दिए हैं। लोगों को इनकी जोड़ी तो पसंद आ ही रही है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि हिमांशी जैसी बहू और वाइफ भला कौन नहीं चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी क्वीन हिमांशी, बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी हिमांशी को देखकर कॉम्प्लेक्स हो जाए। वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पंजाब की ऐश्वर्या है और जल्द ही बॉलीवुड की ऐश्वर्या भी बन जाएगी। हर लड़की की ड्रीम गर्ल है हिमांशी, तो उनमें हर वो क्वालिटी है जो कोई भी लड़का अपनी ड्रीम गर्ल में देखता है। द ब्यूटी क्वीन हिमांशी एंड लव दिस जोड़ी अलॉट, आसिमांशी फॉर एवर। अब सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा बस क्रिएट हो चुका है। इन दोनों को लेकर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर लोग अपनी तरफ से कयास लगाए जा रहे। हरी झंडी घर वालों की तरफ से तो मिल ही गई है इस रिश्ते को। ऐसा तो आसिम रियाज ने खुद ही बताया था कि फिनाले के बाद सबसे पहले अपने पापा से हिमांशी को आसिम रियाज ने मिलवाया और अब खबरों की माने तो इनके घर वालों से इन्हें परमिशन, इस रिश्ते को परमिशन मिल चुकी है।
इस रिश्ते को हरी झंडी मिल चुकी है। आसिम रियाज के माता पिता, उनके भाई उमर रियाज, उनकी बहन से भी इस रिश्ते को मंजूरी मिल चुकी है और अब बहुत ही जल्द ये रिश्ता आपको फ्यूचर में शादी के बंधन में बंधता हुआ जरूर दिखेगा। वहीं इस रिश्ते को लेकर लोगों ने भी अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, वो ओपिनियन आज हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।